Hey guys, what's up? Welcome to lecture number 14 of thermal engineering. Okay, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर को जहाँ पे ख़त्म किया था बिल्कुल उसके आगे से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं. ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट्स अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 में अपेयर करने वाले हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, जिसको हम लोग एप्साइलन. ओके, एप्साइलन से इसको अपन शो करेंगे. ओके फाइन, ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड. ओके, सिंपल सा डेफिनेशन है, बट यहाँ पे कई से कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं. आपको मैं सब कुछ क्लियर करूँगा अच्छे से. ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताऊँगा आपको. तो अगर हम निकाल रहे हैं इफेक्टिवनेस, ओके, जिसको हम लोग एप्साइलन से इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे तो क्या लिखा हमें, एप्साइलन ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, एप्साइलन ऑफ हीट एक्सचेंजर अपना क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो. ओके, रेशियो है इसलिए यहाँ पे अपॉन लगाया हमें, रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट रेट, हीट ट्रांसफर रेट. ओके, हीट ट्रांसफर रेट एक्चुअल बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूड टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट. ओके, नीचे क्या आएगा अपना, क्यू डॉट मैक्स. ओके, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट. ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल को अगर देखूंगा मैं, ओके, दैट इज क्यू डॉट एक्चुअल, तो ये हमारा क्या हो सकता है, एम डॉट एच इंटू सी पी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच ई. ओके, और ये किसके इक्वल होगा, एम डॉट सी, ये अपना क्या है, हॉट फ्लूड के लिए है, और ये अपने क्या है, कोल्ड फ्लूड के लिए होगा. दैट इज एम डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू टी सी ई माइनस टी सी आई. ओके, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी. ओके, बिकॉज हमारा हीट एक्सचेंजर कैसा है, एडियाबेटिक नेचर का है, तो जो भी हीट ट्रांसफर हो कहाँ पे होगा, विद इन फ्लूइड्स होगा. ओके, सराउंडिंग पे आपको कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो जितना भी ये आपको हीट देगा, किसको देगा, ये कोल्ड फ्लूड को देगा. तो जितना ये हीट देगा उसको कौन लेगा, ये लेगा, या फिर ये कितना लेगा, जितना ये देगा. मतलब क्या है, दोनों का जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट होगा क्या होगा, वो इक्वल होगा. ओके, अब बात कहाँ पे आके रुकती है, क्यू डॉट मैक्स कितना होगा. ओके, क्यू डॉट मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा और कौन से वैल्यू को अपन वहां पर पुटअप करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा. ओके, और क्यू डॉट मैक्स अपना क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट. ओके, अब यहाँ पे हमको पता है क्यू डॉट मैक्स अपना क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट. ओके, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, एम डॉट सी पी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, अब यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, टी एच आई माइनस टी सी आई. ऐसा क्यों लिखा हूँ आपको मैं बताता हूँ. ओके, यहाँ पर दो फिगर बनाया हूँ मैं, दो क्या है, टेम्परेचर प्रोफाइल बनाया हूँ, एक अपना क्या है पैरेलल फ्लो के लिए और दूसरा अपना क्या है काउंटर फ्लो के लिए. ओके, अगर पैरेलल फ्लो में देखोगे तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किसका हो सकता है, हाईएस्ट टेम्परेचर देखोगे तो किसका है बताओ यहाँ पे, टी एच आई. ओके, और लोएस्ट टेम्परेचर देखो किसका है, ये टी सी आई. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, टी एच आई माइनस टी सी आई यहाँ पे कॉमन है. वही अगर हम देखेंगे काउंटर फ्लो के केस में, काउंटर फ्लो के केस में क्या हो, देखो सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, टी एच आई का है, और देखो सबको सबसे लीस्ट कौन सा है, ये टी सी आई है. देखो अगेन यहाँ पे कॉमन है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, टी एच आई माइनस टी सी आई, ये अपना क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है. ओके फाइन, अब यहाँ पे बात आती है क्या बताओ, एम डॉट इंटू सी पी. ओके, एम डॉट इंटू सी पी, तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, ओके किसको लेंगे, एम डॉट एच इंटू सी पी एच लेंगे या फिर एम डॉट सी इंटू सी पी सी लेंगे, कन्फ्यूजन यही भी बच्चों का होता है. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एम डॉट सी पी अपना क्या होता है, हीट कैपेसिटी रेट. ओके, एम डॉट सी पी अपना क्या होता है, हीट कैपेसिटी रेट होता है, और जिसकी ये वैल्यू कम होती है उसमें क्या होगा, अपना हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, अधिक होगा. ओके, हीट ट्रांसफर रेट कब होगा, अधिक, जब ये वाला वैल्यू क्या है, कम होगा. ओके, तो क्वेश्चन में जो है हमको इसकी वैल्यू दी रहेगी, वैसे इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है हमको दी रहेगी. हमको करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है. तो जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे. आई बात समझ में, हमको यहाँ पे करना क्या है, एम डॉट सी पी, एम डॉट सी पी किसका अपन लेंगे, दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये अपना क्या होता है, हीट कैपेसिटी रेट होता है, और हीट कैपेसिटी रेट जिसका भी लो होगा,
ओके, जिसका भी वैल्यू छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसमें क्या होगा, अधिक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटा होगा, या तो इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। आई बात समझ में? अब हम यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे। मान लो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, अधिक है। ओके, मान लो, सॉरी, हम पहला केस कौन सा ले रहे हैं, देखो कौन सा है, एम डॉट एच इंटू सी पी एच क्या है, स्मॉलर देन एम डॉट सी इंटू सी पी सी, मतलब क्या है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो उसके लिए छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, एम डॉट एच इंटू सी पी एच लेंगे। ओके, अब चूंकि इसकी वैल्यू छोटी है, तो हम क्या लेंगे नीचे वाले केस में, इसको लेंगे, दैट इज एम डॉट एच इंटू सी पी एच लेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा, एज इट इज, दैट इज टी एच आई माइनस टी सी आई, ये आ गया। अब बात आती है न्यूमरेटर में कौन सा आएगा, हमें पता है क्यू एक्चुअल क्या होता है, क्यू डॉट एक्चुअल ये होता है या फिर ये होता है। ओके, बट हमें पता है कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे आप इसको लो या इसको लो, दोनों केस में क्या होगा अपना, ये क्यू डॉट एक्चुअल क्या होगा, सेम होगा। तो करना क्या है, अगर नीचे में ध्यान रखिए बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, एम डॉट एच को कंसिडर किया हूँ मैं, तो न्यूमरेटर में आपको करना क्या है, एम डॉट एच वाले को ही कंसिडर करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपस में दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या रहेगा, अपने पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन रहेगा। ओके, मतलब क्या है, आपके पास अगर इनलेट आउटलेट के, अगर ठीक है, हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड का अगर टेम्परेचर दिया होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं उस हीट एक्सचेंजर का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको कंसिडर करूंगा, दैट इज एम डॉट एच इंटू सी पी एच लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम डॉट एच इंटू सी पी एच, ये क्या होगा बताओ, ये वाला पार्ट होगा, दैट इज टी एच आई माइनस टी एच ई, बिकॉज ये कौन सा बताता हूँ, ये हॉट फ्लूड का क्या है, ये क्यू डॉट एक्चुअल है, तो यहाँ पे रख दिया, दोनों आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, टी एच आई माइनस टी एच ई अपॉन में टी एच आई माइनस टी सी आई, फाइन। अब दूसरा केस कौन सा लेंगे अपन, मान लो ई वाली वैल्यू क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ओके, इफ एम डॉट सी इंटू सी पी सी इज लेस देन एम डॉट एच इंटू सी पी एच, ओके, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंज अपना क्या बन जाएगा, एम डॉट सी, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, इसके लिए छोटी है, तो इसके लिए छोटी है, तो हम यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, एम डॉट सी इंटू सी पी सी लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं कोल्ड फ्लूड का अगर मैं ले रहा हूँ, क्या बताओ, हीट कैपेसिटी रेट, तो ऊपर में हम कौन सा लेंगे, जो कोल्ड फ्लूड का जो हीट कैपेसिटी, जो अपना क्या है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर है। ओके, एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है, दैट इज एम डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू टी सी ई माइनस टी सी आई, ओके, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेम्परेचर फंक्शन बचेगा, दैट इज टी सी ई माइनस टी सी आई अपॉन में टी एच आई माइनस टी सी आई। ओके, ये जो था पूरा क्या था बताओ, आपका इफेक्टिवनेस ऑफ हीट ट्रांसफर पे था, हीट एक्सचेंजर पे था। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे एन टी यू, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यू एंड ए। यू अपना क्या होता है बताओ, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होता है, और एरिया क्या होता है, ए होता है, दैट इज एरिया एक्सपोज्ड। ओके, टू द स्मॉलर हीट कैपेसिटी रेट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूड्स। ओके, तो एन टी यू क्या होगा अपना, नंबर ऑफ हीट, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स होता है, दैट इज एन टी यू इज इक्वल टू यू इन टू ए। ओके, अपॉन में क्या आएगा, स्मॉलर हीट कैपेसिटी रेट, हीट कैपेसिटी रेट क्या होता है अपना, एम डॉट इन टू सी पी होता है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी, ओके, हॉट का या फिर कोल्ड का जो भी अपना स्मॉलर वैल्यू होगा, उसको जो हम यहाँ पे नीचे में कंसिडर करेंगे। ओके, यू स्टैंड फॉर क्या होता है अपना, ये हीट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे एन टी यू, वॉट इज एन टी यू, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, अगर आप चाहते हो इसका यूनिट निकालने के लिए, ओके, तो आप देख सकते हो यूनिट ऑफ एन टू, एन टी यू अपना क्या होगा, यू, यू का यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचेगा, वॉट पर केल्विन बचेगा। अब यहाँ पे क्या ये केजी पर सेकेंड हो जाएगा, और सी पी क्या होता है, जूल्स पर केजी केल्विन। ओके, तो ये केजी इसके कैंसिल हो जाएगा। ओके, जूल्स पर सेकंड अपना क्या था, वॉट होता है, तो ये क्या होगा आपस में, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यूनिट लेस। ओके, दैट इज यूनिट ऑफ एन टी यू क्या होता है, नहीं होता भाई, यूनिट लेस होता ही है। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ओके, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, एन टी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्या बताओ, हीट एक्सचेंजर। ओके, सो इट सिग्निफाइज द ओवरऑल साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। ओके, एन टी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, देखो यहाँ पे एन टी यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सपोज है। ओके,
किसका एरिया बताओ? एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर. सो इट सिग्निफाइज द ओवरऑल साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपना क्या है? कैपेसिटी रेट रेशियो, जिसको हम क्या करेंगे, सी से इसको डिनोट करेंगे. ओके कैपेसिटी रेट रेशियो दैट इज सी. ओके ये क्या होता है? इट इज रेशियो. ओके रेशियो लिखा तो ये क्या होगा? रेशियो होगा. किसका रेशियो होगा? एम डॉट सी पी ऊपर में क्या होगा, स्मॉलर होगा, अपॉन में एम डॉट सी पी लार्जर. ओके हमारे पास दो का ही रहेगा, एक रहेगा हॉट फ्लूड का, एक रहेगा कोल्ड फ्लूड का. जिसका भी स्मॉलर उसको अपन ऊपर लिखेंगे, जिसका भी लार्जर वैल्यू आएगा, ओके हीट कैपेसिटी रेट, उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे. ओके अब सिंस ऊपर वाली वैल्यू क्या स्मॉलर है, तो हमें पता है कि सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेके वन के बीच में लाई करेगी. ओके ये तो क्लियर है. ओके आगे बढ़ते हैं. ये देखेंगे कि जीरो कब होगी और वन कब होगा. ओके तो सी वैल्यू जीरो कब होगा? इफ वन ऑफ द फ्लूइड्स चेंजेस इट्स फेस. ओके एग्जाम्पल को आप ले सकते हो, स्टीम कंडेंसर, इवेपोरेटर एक्सेट्रा. ओके सी की वैल्यू जीरो कब होगी? ओके सी की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? या तो ये वाला जीरो होगा, या फिर ये वाला वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए. ओके एक्सट्रीमली लार्ज हो जाए एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी रेशियो रेट आपको जो दिया हुआ है, दैट इज स्मॉलर, जिसका भी हो, हॉट फ्लूड का फिर कोल्ड फ्लूड का, इसकी वैल्यू जीरो तो होगी नहीं. ओके न्यूमरेटर जो है आपका जीरो कभी नहीं होगा, बिकॉज उसके कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी. तो मुझे करना क्या होगा, सी को जीरो करने के लिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एक्सट्रीमली लार्ज करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो उसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू मेक सी इक्वल टू जीरो. सी इक्वल टू जीरो मतलब क्या है? इफ वन ऑफ द फ्लूइड्स चेंजेस इट्स फेस. ओके एग्जाम्पल रूप में आपको लिख दिया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम डॉट सी पी ऑफ लार्जर मस्ट बी इनफाइनाइट. तो सी की वैल्यू क्या होगा, वन अपॉन इनफाइनाइट, मान लो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, वन है, या कोई वैल्यू डाल दो वहां पे, लेकिन नीचे अगर अपना इनफाइनाइट है तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा. ओके वही अपन अगर सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस कौन सा बताओ, जब सी की वैल्यू वन हो जाएगी. व्हेन सी इक्वल्स टू वन, सी इक्वल्स टू वन कब होगा, व्हेन द हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हीट कैपेसिटी रेट, ओके दैट इज एम डॉट सी पी, एम डॉट सी पी. ओके किसका, हॉट फ्लूड का, कोल्ड फ्लूड का, क्या होगा, बोथ फ्लूड. ओके क्या होगा, सेम हो जाएगा, दैट इज एम डॉट सी पी. ओके एम डॉट एच दैट इज हॉट फ्लूड का मास फ्लो रेट इन टू सी पी ऑफ हॉट फ्लूड इज इक्वल टू एम डॉट सी इन टू सी पी सी. अगर सेम हो गया तो क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बताओ, सी इक्वल्स टू वन बचेगा. फाइन आगे बढ़ते हैं. फॉर एनी हीट एक्सचेंजर, ओके इफेक्टिवनेस जो होता है इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एन टी यू एंड क्या होता है, ये कैपेसिटी रेट रेशियो का होता है. ओके ये किसका फंक्शन होता है, एन टी यू और हीट, सॉरी कैपेसिटी रेट रेशियो. ओके तो यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इफेक्टिवनेस और एन टी यू के बीच में, तो नेचर कैसा बनता है कैपेसिटी रेट रेशियो का, वो इस तरह का बनता है. ओके जैसे आप ऊपर चढ़ो तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी. ओके यहाँ पे सी वन की वैल्यू क्या है, छोटी है एज कम्पेयर टू सी टू, फिर सी टू वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ सी थ्री. ओके क्या होगा, ये वेरियस कैपेसिटी रेट रेशियो को ये शो कर रहा है. कौन बताओ, अपना जो ग्राफ प्लॉट हुआ है बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एन टी यू. एन टी यू क्या होता है, अपना नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स. ओके अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं. ओके फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओके आपको कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला पता होना चाहिए जिसको मैं आप इंप्लीमेंट कर सकूं, फिर उसका कुछ केसेस भी पढ़ना पड़ेगा अपने को. तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए हमारा जो इफेक्टिवनेस होता है, सो इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो अपना क्या होगा, वन माइनस ई टू द पावर वन माइनस सॉरी माइनस वन माइनस वन प्लस सी. ओके क्या होगा यहाँ पे, इफेक्टिवनेस ऑफ पावर पैरेलल फ्लो अपना क्या होगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन प्लस सी इंटू एन टी यू अपॉन में वन प्लस सी. ओके क्या होगा ये, फिर से मैं रीड कर ले रहा हूँ, मैं वन माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ वन प्लस सी इंटू एन टी यू अपॉन में वन प्लस सी. वही अगर हम काउंटर फ्लो के लिए देखें तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है बस, क्या है बताओ, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो दैट इज वन माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ वन माइनस सी. ओके इंटू एन टी यू अपॉन में जो ऊपर में लिखा हुआ उसको यहाँ लिख दो, बस यहाँ पे एक सी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट इज वन माइनस सी इंटू ई टू पावर माइनस वन माइनस सी इंटू एन टी यू. ओके अब यहाँ पे जो हम दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी करने वाले हैं. ओके पहला केस जो क्या है, वेन सी इक्वल टू जीरो, ओके जब सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ये कब होगा, वेन वन ऑफ द फ्लूइड्स चेंजेस इट्स फेस. ओके हमने पढ़ा हुआ था जब कैपेसिटी रेट रेशियो पढ़ा था, सी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब
डिनोमेटर वाला पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये कब होगा, जब सॉरी डिनोमेटर पार्ट अपना क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ वन ऑफ द फ्लूइड्स चेंजेस इट्स फेज, ये कंडीशन को वहां पे अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, तो ये अगर सी इक्वल जीरो हो गई तो आप समझ लो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जीरो हो गया तो ये अपना क्या होगा, वन रहेगा, तो वन इंटू एन टी विल बी वन माइनस ए इन पावर माइनस एन टी यू। ओके, यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या है, ये वाला पार्ट जीरो है तो वन प्लस जीरो इज वन। ओके, वही अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे आपका वन माइनस ई पावर में माइनस ऑफ एन टी यू रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस जीरो दैट इज वन। तो क्या मुझे मिला बताओ, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, केस नंबर वन दैट इज व्हेन सी इक्वल टू जीरो, तो उस केस में आपका जो इफेक्टिवनेस होता है पैरेलल फ्लो के केस में, एग्जैक्टली वही क्या होगा, आपका काउंटर फ्लो के केस में बन जाएगा, क्या, इफेक्टिवनेस। ओके, अब सेकेंड केस हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हेन सी इक्वल्स टू वन। हम यहाँ पे दो केस ही पढ़ते हैं, पहला केस कौन सा, सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस कौन सा, सी इक्वल्स टू वन। तो सी इक्वल्स टू वन के केस में क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, पैरेलल फ्लो के केस में अगर सी की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन क्या होगा अपना, यहाँ पे वन माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एन टी यू हो जाएगा ये। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़, अच्छा यहाँ पे क्या है, वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉन में टू हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस ऑफ एन टी यू अपॉन में टू। वही अगर हम काउंटर फ्लो के केस में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, वन है, तो वन माइनस वन क्या होगा अपना, जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर क्या होता है, जीरो, वन होता है, तो वन माइनस वन विल बिकम जीरो। नीचे आते हैं, सी की वैल्यू क्या यहाँ पे वन है, तो ये अपना क्या रहेगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे देखो वन माइनस वन अगेन जीरो, ई की पावर जीरो क्या होगा, वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन क्या होगा अपना, ये अगेन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ, जीरो अपॉन जीरो वाला फॉर्मेट बन रहा है। ओके, काउंटर फ्लो अगर देखेंगे, इफेक्टिव अगर हम इफेक्टिवनेस निकाले काउंटर फ्लो के केस में, तो क्या होगा यहाँ पे, सी की वैल्यू जब वन हो जाएगी तो क्या होगा, ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आपने लिमिट पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसको अपन जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे काम का है। अब वो क्या होगा बताओ, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो। ओके, आपको फॉर्मुला याद रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा इसके ऊपर। ओके, दैट इज एन टी यू अपॉन में वन प्लस एन टी यू। ओके, एन टी यू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, तो इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो अपना क्या हो जाएगा, एन टी यू अपॉन में वन प्लस एन टी यू। ओके, अगले वीडियो में जो है, इस वीडियो में बस इतने पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, अगले वीडियो में जो है अपन रेडिएशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो लाइक मत करना, अगर पसंद है तभी उसको लाइक करना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।